तो आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर के लिए बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे पिछली कई वीडियो में कि सर काउंटिंग फिगर पे वीडियो बनाइए, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मेन प्रॉब्लम यही होती है कि जब भी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया जाता है एग्जाम में तो वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। ठीक है, जो ट्रिक आप याद करते हैं या आप सीखते हैं वो ट्रिक उसमें अप्लाई नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ विद शॉर्ट ट्रिक, और आपको वो तरीका भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको ये याद रखना है कि अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे दिया जाए तो उसी ट्रिक को अप्लाई कर दिया जाए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है मैंने काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल। जब भी ट्रायंगल के अंदर में ट्रायंगल्स आपको काउंट करने होते हैं तो कैसे काउंट करते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक है, और उसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, तो अब आप काउंट कर सकते हैं कि कितने इसमें ट्रायंगल्स बने हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, तो ये तो आपने बता दिया। बट अभी इसके अंदर मैं बहुत सारे स्मॉल ट्रायंगल क्रिएट कर दूं, किस तरीके से, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर दूं, अब बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो ये अब डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, इसके अंदर ये नंबर डाल देना 1, 2, 3, 4 और उनको प्लस कर लेना है। जैसे नंबर को प्लस करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, तो इनको प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और 3, 6 और 4, 10, तो ये आपका नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 10। अब चाहे इसमें कितने भी बना दिए जाएं आप उसको भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये और बढ़ा दिया जाए तो 5 हो जाएगा, ये और बढ़ा दिया जाए तो 6 हो जाएगा, ये और बढ़ा दिया जाए, इधर भी बढ़ा दिया जाए, कितना भी बढ़ा लीजिए, बस उनको नंबर को प्लस आपको करना है। ये आपको 2 सेकंड का काम होगा, ईजिली कर लेंगे। चलिए अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, अब यही तो चीज़ है सीखने की कि अगर थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन में दे दिया जाए आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और एग्जाम में यहीं पे मेन प्रॉब्लम आती है कि जब क्वेश्चन को हल्का सा चेंज करके दिया जाता है तो अब उसको कैसे सोल्व करें। अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ये तो पता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर ये लाइन ड्रॉ कर दी जाती कैसे प्लस करते हैं, तो यहाँ पे अगर इसमें लाइन ड्रॉ कर दी जाती है तो तब कैसे करना है। तो इसमें ये तो आपने कर ही लिया 1, 2, 3, 4, तो 4 ये सभी को प्लस करेंगे तो 10। अब अगर इसमें एक लाइन ड्रॉ की जाए तो 2 की मल्टीप्लाई 2 लाइन ड्रॉ की जाए तो 3 की मल्टीप्लाई 3 लाइन ड्रॉ की जाए तो 4 की मल्टीप्लाई, इस तरीके से इसमें चलती हैं। तो 1 की गई है तो 2 की, और इसका 2 क्यों की गई है, क्योंकि एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, तो यानी कि इसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए 20, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो ना समझ में आती रहे तो साथ ही साथ कमेंट में बताते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कराने हैं इस वीडियो में और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट टाइप है आपका काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन स्क्वायर या रेक्टेंगल। जब भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर में ट्रायंगल्स आपको काउंट करने होते हैं तब कैसे करना होगा वो सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये आपका है एक स्क्वायर, इसके अंदर में इस तरीके से 2 डायगनली लाइन ड्रॉ की गई है और इसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अब कितने बन गए, तो बहुत ही आसान है, ये तो सभी को पता होगा 1, 2, 3, 4, 4 की मल्टीप्लाई 2 में करिए 8 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें हो गए। अब बात आती है कि अगर और लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो और लाइन ड्रॉ कर लीजिए, चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तब भी आपको कॉन्सेप्ट यही यूज करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 की मल्टीप्लाई 2 में तो 12। मान लीजिए और लाइन ड्रॉ कर दी जाए, एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए तो कितना हो गया, ये आपका 6 हो गया था, ये हो जाएगा 7 और 8 यहाँ पे हो जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा, मतलब इसको पूरा काउंट करेंगे तो 8 बन जाएगा, तो 8 आपका हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 8 की मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा अगर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी जाए। तो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सिंपल है, अभी तक बहुत ही ईजी लेवल में करा रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जब इनको ही दोनों को प्लस कर दिया जाएगा, अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो तब कैसे काउंट करना है ये सीख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका और इसमें 2 जो आपके ये स्क्वायर्स हैं इनको प्लस कर दिया गया है, तो तब आपको बताना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए चाहे ये कितने भी बॉक्सेस को आप ऐड करते जाएँ, कितने भी करते जाएँ आपको पता है कि एक बॉक्स में कितने आपके ट्रायंगल्स होंगे, ट्रिक आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जितनी भी लाइनें ड्रॉ होंगी आपको 1, 2, 3 करके काउंट कर लेना है, उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 16 आ गया। तो अगर 16 इसमें है
तो 16 इसमें होगा, तो 16 इसमें होगा, तो इसका मतलब इनमें दोनों में कितना होगा, 16 और 16 32, बस 32 नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि इसमें ये दो जुड़े हैं, जुड़ने के बाद में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहाँ पे भी दो ट्रिक को ऐड किया जाएगा, यानी कि दो अलग अलग ट्रिक को एक जगह मिला के क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, या फिर दो इस तरीके से जोड़े जाएंगे, तो जो दो जुड़ेंगे ना पॉइंट बनेंगे, उनको आपको जरूर काउंट कर लेना है। तो ये कितने हो जाएंगे, दो ये ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 2 34, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए इसमें, 34। इसका लॉजिक भी जान लीजिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ है। अब दो ट्रायंगल को हम जोड़ रहे हैं, तो ये वाला एक, तो ये वाला बन के आ गया, ये आपका ये बन के आ गया, तो ये इसलिए दो हमने काउंट किए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका, देखिए एक ये पूरा का पूरा है बड़े वाला, और एक इसके अंदर बना हुआ है छोटे वाला। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगी तो काफ़ी टाइम लग सकता है और क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है। ट्रिक पता होगी तो 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, 3 सेकंड का क्वेश्चन ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बहुत सारी लाइनें इसमें ड्रॉ हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक छोटा और बॉक्स बना है। अब आपको बताना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो आपको सिंपली वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक काउंट करना है। फिर इसके अंदर भी वही है, आपको क्या करना है, देखिए बाहर वाले में जितने होंगे 16 है, अंदर वाले में भी उतने ही होंगे, क्योंकि उतनी लाइन ड्रॉ है, उतना ही है। तो जितने भी, मतलब हम बोल सकते हैं कि जितने बड़े वाले ट्रायंगल्स होंगे उतने ही छोटे वाले ट्रायंगल्स होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, 16 और 16 32, तो 32 ट्रायंगल इसमें हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ कि ये 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि सिंपली वही वाली ट्रिक है जो इससे पहले थी, बस अब यहाँ पे दो क्वेश्चन इसमें ऐड हो गए हैं, यानी कि दो छोटे छोटे इसमें दो बॉक्स बन गए हैं। ट्रिक वही है, कुछ एक्स्ट्रा तो चेंज नहीं किया ना मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें दो ट्रिक एक साथ में अप्लाई होगी। अब ये वाला एक अलग से बन गया, ये आप अलग से करेंगे, और ये वाला जो ऊपर वाला है ये अलग से करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाले की सबसे पहले, तो ये अभी मैं आपको बताया था, जब भी एक ट्रायंगल के अंदर में लाइनें ड्रॉ की जाती हैं तो स्मॉल ट्रायंगल बनते जाते हैं, तो उनको कैसे करना है, 1 2 है तो 1 + 2 कर देंगे, तो 3 ट्रायंगल्स इसमें बन गए। अब नीचे वाले का तो मैं अभी आपको ऊपर ही बताया है कि कैसे करना है, इन सभी में एक 1 2 3 आपको लिखना है और उसकी मल्टीप्लाई 2 में कर देनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आपने लिखा और 8 में मल्टीप्लाई 2 की तो 16 हो गया। तो 16 + 3 आपका कितना हो जाएगा, 16 + 3। और ये आप देखिए, मैंने अभी बताया था ना ऊपर, जब भी दो ट्रिक को ऐड किया जाए या फिर दो किसी भी को जोड़ा जाए बीच में, यानी कि हम ट्रिक तो सीखते हैं सिंगल के लिए, बट जब भी इन दो को जोड़ा जाता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बन जाते हैं ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बनेंगे, जैसे ये दो पॉइंट है तो दो को ऐड कर लीजिए डायरेक्टली। अब ये देख लीजिए कहाँ से बने हैं, अभी एक तो ये बन गया पूरा बड़े वाला और एक ये बन गया, क्योंकि ये दोनों को जोड़ा गया है। अब इन दोनों को, ये अलग ट्रायंगल को जोड़ा गया है और इस स्क्वायर को अलग से जोड़ा गया है, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये आपका बन जाएगा दो अलग नए ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो जाएंगे दो अलग से, कितना हो जाएगा, 16 और 3 आपका 19 और 2 21, तो 21 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस क्वेश्चन में हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए अब थोड़ा और लेवल को इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो ये भी देखिए बिल्कुल दो ट्रिक का कॉम्बिनेशन होगा और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिया गया होगा, ठीक है। तो अब ये 7 वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको कैसे करना है, आप ये देखिए पहले इतना, सिर्फ और एक्स्ट्रा मत देखिए, ठीक है। इसमें अभी आप कितना काउंट करके आए हैं, देखिए 16 तो मैंने इसमें किया था, 16 3 इसमें किया था, 3 ये और 2 ये पॉइंट ऐड किए थे ना। अभी ऊपर जो मैंने करके आया हूँ तो 21 थे ना उसमें, तो 2 ये हो गए, तो 16 + 3 इसमें हो जाएंगे, 2 ये हो जाएंगे, तो कितने हो गए, 21। यहाँ तक तो आपका बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों पे कि जो और एक्स्ट्रा ऐड हुई है। अब जैसे ये एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, ये वाला एक्स्ट्रा है इसमें। अब मुझे बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 3 होंगे ना। अब 3 में से ये वाला तो काउंट हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर काउंट हो चुका है, तो बचेंगे कितने, 2 बचेंगे। 2 कौन कौन से बचेंगे, एक तो ये बच जाएगा और एक ये पूरा बच जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला हाफ वाला और एक ये, तो 2 इसमें हो जाएंगे भाई, 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे, तो ये 2 इसमें, 2 इसमें, समझे कैसे हुए 2। अब एक ये पूरा बड़े वाला हो जाएगा, एक ये बड़े वाला हो गया। फिर आपका देखिए इस वाले को देखिए थोड़ा, एक ये हो जाएगा और फिर एक ये हो जाएगा, एक ये और एक ये हो जाएगा। अब इन सभी को प्लस कर लीजिए, तो कितने हो गए आपके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 28। प्लस कर लीजिए इनको, ठीक है।
तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तक तो 21 तक तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब इसमें आप मुझे बताइए, एक तो पूरा का पूरा ये और एक ये बाहर वाला जो निकला हुआ है, दो इसमें, फिर दो ही बिल्कुल इधर होंगे, एक ये और एक ये बाहर निकला हुआ है। इस अंदर वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वाला तो हमारा ऑलरेडी काउंट है, ये वाला सिर्फ, ठीक है ना, ये हमारा ऑलरेडी काउंट है इन 21 में। दो तो हमने ये काउंट कर लिए, तो ये हमारा यहाँ तक हो चुका है। ये वन वन कौन से तीन काउंट होंगे, एक तो ये पूरा बड़े वाला, ठीक है, फिर एक हमारा होगा, यहाँ तक हमारा हो चुका है एक, यहाँ ये भी हो गया, एक हमारा ये वाला होगा और एक हमारा ये वाला होगा, तो एक ये, तो 28 इज़ द राइट आंसर। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कोई कराएगा नहीं, क्योंकि इन क्वेश्चन को मतलब कराने की बिल्कुल कोई ऐसी तो शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है कि बिल्कुल आपको 1 2 3 लिख के ऐड हो जाएंगे, थोड़ा सा आपको लॉजिकली समझाना पड़ेगा, ठीक है ना, और आपको भी समझना पड़ेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका ट्रिक का ही कॉम्बिनेशन है, पर अब ये क्वेश्चन बहुत कम आपको कोई कराएगा, क्योंकि इसमें कराते ही आपको लगेगा कि यार ट्रिक तो हमारी लगी नहीं। ट्रिक लगती है, पर आपको सीखना पड़ेगा, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वही सीखने पड़ेंगे। तो 8 में आपको तीन जगह ये प्लस कर दिया गया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब आपको पता है एक के तो हम काउंट कर लेते हैं, तो इसमें कितने होंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, 8 इसमें हो जाएंगे, यहाँ तक तो आप कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो प्लस हुए हैं, जो इनको जोड़ा गया है साथ में, ये भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो इनको देखने के लिए आपको बताया था मैंने, अगर ये दो पॉइंट ऐड हुए हैं तो दो तो इसके प्लस होंगे। अब ये मत सोचिएगा कि अगर ये प्लस कर लिया हमने तो ये वाला तो काउंट हो गया, ये काउंट नहीं हुआ, ये इसके साथ में अलग से जुड़ेगा, तो फिर ये दो पॉइंट अलग से ऐड होंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला दो बार काउंट होगा, ये वाला दो बार काउंट होगा, क्योंकि ये इसके साथ में भी ऐड है और ये इसके साथ में भी ऐड है, इसके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दो बार काउंट होंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28, और एक आपका जो ये बड़े वाला है, तो ये जो एक मैंने ऐड किया है, ये पूरा का पूरा आपका ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो एक ये ऐड होगा तो 29 यहाँ पे होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब ये कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनको तो चाहिए आप कई बार देख के रट लीजिए, ये एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब 9 आपका एक अलग टाइप का हो गया, जब ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है, तब इसमें अगर काउंट करने को दे दिया जाए तब कैसे करना होता है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिखें, सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिखें उनमें आपको 1 2 डाल देना, 1 2 3 4 दिखने बंद हो गए तो बस आप इनको कितना करना है, इन सभी को 4 और एक प्लस आपका ये बड़े वाला करके कर देना है प्लस, यानी कि 5 आपके ट्रायंगल्स है इसमें, यानी कि जितने आपको इसमें अंदर दिख रहे हैं 1 2 3 4 आपने कर दिया और एक प्लस कर दिया बड़े वाला है बाहर वाला, तो 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बनते चले जाते हैं, जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन, अब मुझे पता चल गया कि एक ट्रायंगल के अंदर जब दूसरा ट्रायंगल बनता है तो मेरे 4 ट्रायंगल बनते हैं, फिर उसके अंदर बनेगा फिर 4 बनेंगे, उसके अंदर बनेगा फिर 4 बनेंगे, उसके अंदर बनेगा फिर 4 बनेंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि चाहे जितने भी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बना ले मैं उसको सोल्व कर लूँगा। जैसे ये इस ट्रायंगल के अंदर ये ट्रायंगल बना तो मुझे पता चल गया ये 4 ट्रायंगल है, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना फिर मुझे पता चल गया 4 ट्रायंगल और बन गए, इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना तो ये 4 और बन गए, और एक अपना बड़े वाला एक हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, तो 13 ट्रायंगल इसमें टोटल नंबर हो जाएंगे, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अब इसको करना कैसे है, देखिए अब आपको एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल भी दे दी, ठीक है, और उसमें लाइन फिर ड्रॉ भी कर दी, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आपको पता है ना इसको कैसे सोल्व करना होता है, यानी कि इसको पता है ना, एक ट्रायंगल के बीच में जब एक लाइन ड्रॉ होती है पता है ना, इसमें 1 + 2 करके दोनों को प्लस कर देते हैं 3 ट्रायंगल होते हैं। अगर आपको इतना पता है तो आप इसको बिल्कुल सोल्व कर लेंगे, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 3 3 9 9 तो ये हो गए, एक ये पूरा बड़े वाला और एक इनको प्लस कर लीजिए तो कितना होगा, 9 और 2 11, तो 11 इसमें हो जाएंगे ट्रायंगल। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई। तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे
ट्रिक वही होती है जो सबसे पहले सिखाई मैंने और अभी तक भी वही चलती हुई आ रही है, बस आपको लगाने का तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से उसको अप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। 12 में आपको क्या करना है, अब ये आपको एक स्टार टाइप दे दिया बना के, ठीक है, इस तरीके से, और उसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रेंगल्स कितने होंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब रट लीजिए चाहे कुछ भी कर लीजिए, हमेशा 1, 2, 3, 4, 5 करना है, 2 की मल्टीप्लाई करना है, 10 आपका राइट आंसर, ठीक है ना भाई। कुछ हार्ड नहीं है ये बिल्कुल भी, एक दो बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 13, जो कि हमेशा एक हवा बना के रखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इसलिए एंड में रखा था कि जो वीडियो को पूरा देखेगा उसी को ये क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। अब ये चाहे कितना भी बड़ा दे दिया जाए, कितना भी बड़ा और बड़ा कर लीजिए उसको, उसमें और ट्रायंगल बढ़ा लीजिए इस तरीके से, और बढ़ा लीजिए, जितने बढ़ाए जा सकते उतने बढ़ा लीजिए। आप इसको चुटकियों में कर देंगे, मतलब देखते ही सबसे आसान लगने लगेगा आपको। इसमें मैं बताऊँ आपको 27, तो आपको कैसा लगेगा कि कुछ करा भी नहीं और 27 कैसे आंसर आ जाएगा। देखिए ट्रिक है इसकी, बस आपको ये याद करना पड़ेगा कि बेस अगर एक है तो एक ट्रायंगल, बेस अगर दो है तो 5 ट्रायंगल, बेस 3 है तो अगर 13 ट्रायंगल, बेस अगर 4 है तो 27। बेस का मतलब क्या है यहाँ पे, बेस भी देखिए, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये बेस है, तो 4 है तो आपका 27। बेस अगर 5 होता तो 48 हो जाते, और यहाँ पे आपके 4, 5 तक ही पूछ जाते, इससे ऊपर पूछे भी नहीं जाते। बेस आप इधर से भी काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, नहीं ये शायद इधर से गलत हो गया, तो आप इसे नीचे से करिएगा 1, 2, 3, 4, तो ये 4 आपका है तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। 5 होता तो 48 हो जाता, 6 होता तो आपका 78 हो जाता, और 7 होता तो आपका 118 हो जाता। तो अब बताइए कि ये क्वेश्चन कैसा आपको लगा। अगर आगे से ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो चुटकियों में कर देंगे ना, सेकंडों में कर देंगे, ठीक है।